पहला सवाल है मोहित जी का, जो कि जानना चाहते हैं कि मेरे टॉप फोर कौन रहेंगे और क्या बांग्लादेश अपसेट कर सकता है और सेमीफाइनल पहुंच सकता है। मेरे टॉप फोर रहेंगे सबसे पहले इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्योंकि अभी तक कोई मैच नहीं आ रहा है, लेकिन बांग्लादेश की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ से अब वो अपने बाकी मैचेस जीतते हैं तो ज़रूर एक बुलेट फेयर कर सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो है ना अभी मेन टीम से मैच बाकी है। इंडिया से वॉश आउट हो गया था, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अभी भी बाकी है, तो बांग्लादेश के पास पूरा मौका है। अगला सवाल है प्रतीक पटेल का, जो कह रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा बेस्ट ओपनर है वर्ल्ड कप 2019 के? अभी भाई दो सेंचुरी, एक हाफ सेंचुरी मार चुके हैं वो चार मैचेस में, जिसमें से एक मैच हुआ नहीं, तीनों ही मैचों में स्कोर दे रहे हैं, तो ऐसा ओपनर किसी के पास भी होगा तो वो अपर हैंड रहेगा। और ये पूछने वाली बात नहीं है, तो बताने वाली बात है कि जी हाँ, वो इस टाइम वर्ल्ड कप के बेस्ट ओपनर है। शुभांकर का है अगला सवाल कि मैं क्या सोचती हूँ इंडिया इंग्लैंड गेम के बारे में और इंडिया टीम कैसे टैकल करेगी ये बेस्ट इंग्लिश साइड। जी हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, कितने सालों में अगर हम देखें तो ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है इंग्लैंड की और काफ़ी अच्छा क्रिकेट भी खेल रही है। लेकिन इंडिया इंग्लैंड गेम में खास रहेगा कौन उस दिन प्रेशर हैंडल करता है, क्योंकि दोनों ही बेहतरीन टीम है। और प्रेशर हैंडल करने की बात करूं तो मुझे लगता है इंडिया का अपर हैंड है, क्योंकि हमने देखा है प्रीवियस अगर रिकॉर्ड हम इंग्लैंड का देखें तो मेन मैचेस जब आते हैं या अच्छी टीम सामने आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर हैंडल करने में नाकामयाब रहे हैं। लेकिन इस साइड को आप हल्के में नहीं हाँक सकते, क्योंकि एक डिफरेंट लेवल का क्रिकेट खेल रही है। इनकी जो बैटिंग लाइनअप है ना, ये इनकी स्ट्रेंथ है, एक के बाद एक अटैकिंग बैट्समैन आते हैं और इस वर्ल्ड कप में एक नया ही लुक अपनाया हुआ है कि आक्रामक खेलना है। इसीलिए इंडिया टीम की बॉलिंग रहेगी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट, कैसे बुमराह को टैकल करते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाज और मिडिल ओवर्स में कुलचा की जोड़ी रहेगी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है सनी बाबू का, जो कि जानना चाहते हैं कि क्या हिटमैन इस वर्ल्ड कप में 200 मारेंगे? जी पूरी उम्मीद है हमें, जिस तरीके की बल्लेबाजी पाकिस्तान के साथ की थी मुझे तो लगा था कि वहीं मार देंगे, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी उनकी। वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो बड़ी इनिंग खेलने पे विश्वास रखते हैं, अगर वो जल्दी आउट नहीं होते तो उनके पास काबिलियत है, वो 100 को 150 200 बड़ी आसानी से करते हैं। एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने 3 बार दोहरा शतक लगाया है, तो अभी काफ़ी मैच बाकी है और जिस तरीके के विकेट हैं उम्मीद करते हैं कि एक और 200 रोहित के बल्ले से देखा जा सकता है। मनोज राजपत जी हैं जो कि जानना चाहते हैं कि इस वर्ल्ड कप में मेरी फेवरेट टीम कौन है। मैंने तो खैर जर्सी पहन के बता दिया कि कौन सी मेरी फेवरेट टीम है, वैसे इस वर्ल्ड कप में काफ़ी बढ़िया बढ़िया टीम है, लेकिन भाई मैं वुमेन इन ब्लू तो चेयर करेगी फॉर मैन इन ब्लू। एडविन है जो कि जानना चाहते हैं कि धोनी को किस नंबर पर खेलना चाहिए। हमने पहले भी इस बारे में बात की थी, मुझे ऐसा लगता है धोनी नंबर 5 के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेम को एंड तक लेके जा सकते हैं और ख़त्म करने की काबिलियत भी रखते हैं। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, कई बार हमने देखा है हार्दिक पांड्या ऊपर आते नजर आए क्योंकि नंबर ऑफ ओवर्स कम थे और आपको जल्दी रन चाहिए तो हार्दिक पांड्या है, और अगर आपको सिचुएशन संभाल के एंड तक लेके जानी है तो उसके लिए धोनी से बेहतरीन खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता। अगला सवाल है जॉन पॉल का, जो कि कह रहे हैं कि वाई ICC इज़ नॉट हैविंग सेकेंडरी ऑप्शन फॉर अ गेम स्टॉप ड्यूटी रेन। अभी तक तो ऐसा कोई ऑप्शन रखा नहीं है, नॉर्मली रिजर्व डे होता है, लेकिन इस ICC इवेंट में अभी तक वो क्लॉज कोई डाला नहीं गया है। एज़ पर रूल आपको पॉइंट शेयर करने पड़ेंगे और ज़रूर वो कई टीमों के लिए एक झटका भी हो सकता है और रेन इफेक्टेड गेम्स का फ़ायदा कई टीमों को मिल भी सकता है। उन्होंने आगे ये भी बोला है कि विल ICC मेक नेसेसरी स्टेप फॉर फ्यूचर गेम्स इफ रेन इंटरप्ट्स। जी हाँ, मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में इस वर्ल्ड कप को ध्यान रखते हुए ज़रूर ऐसा कोई क्लॉज, ऐसे रूल्स बना सकते हैं कि आप रिजर्व डे का यूज़ करिए ताकि दोनों ही टीमों को बराबर चांस मिले और किसी भी टीम को अनड्यू एडवांटेज ना मिले।